हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, बाय 3rd of September 2022 नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए टोटल 666 सीट्स ऐड हो चुकी है, जो ऑफिशियली एनएमसी की वेबसाइट पर अपडेट भी कर दी गई है। फॉर क्रॉस वेरीफाइंग यू कैन विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएमसी विच इज़ www.nmc.org.in। इन 666 सीटों में अमंगस्ट ऑल द 3,666 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की तो सीट्स इंक्रीज हुई ही है, साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीट्स इंक्रीज हुई है। क्लिनिकल ब्रांचेस के साथ साथ नॉन क्लिनिकल में भी इंक्रीज हुई है। सो इन 666 सीटों में अगर हम देखें तो क्लिनिकल की जो सीट्स बढ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली 451 सीट्स इंक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम रिमेनिंग 215 सीटें जो है 215 सीट्स वो नॉन क्लिनिकल में इंक्रीज हुई है। लेट्स सी कि कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें बढ़ी है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट में भी कितनी सीटें ऐड हुई, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट ऑल्सो। प्राइवेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में प्राइवेट के साथ साथ हम गवर्नमेंट में भी देखेंगे कि कौन से ब्रांचेस की कितनी सीटें बढ़ी है। सबसे पहले ENT की बात करते हैं। टोटल सीटें जो इंक्रीज हुई है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए वो 21 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें दो सीट ओनली टू सीट्स हैज बीन अपडेटेड ऑन एनएमसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में दो सीट इंक्रीज हुई है और प्राइवेट में 19 सीट्स। एनेस्थीसिया की टोटल 44 सीट्स बढ़ चुकी है, जिसमें 4 सीट्स गवर्नमेंट में है और 40 सीट्स प्राइवेट की इंक्रीज हुई है। ऑप्थल की 33 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 9 सीट्स गवर्नमेंट में 24 सीट्स प्राइवेट में। डर्मेटोलॉजी की 16 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 3 सीट्स गवर्नमेंट की है और 13 सीट्स प्राइवेट में। रेडियो की 18 सीट्स, टोटली 18 सीट्स इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट में 10 और प्राइवेट में 8। इमरजेंसी मेडिसिन की टोटल 44 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 23 सीट्स गवर्नमेंट में है और 21 सीट्स प्राइवेट में है। जनरल मेडिसिन की टोटल अब तक 55 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 11 सीट्स गवर्नमेंट में और 44 सीट्स प्राइवेट में। पीडिया की टोटल 42 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 9 एंड प्राइवेट में 33। जनरल सर्जरी की भी टोटल 44 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में अभी तक एक भी सीट इंक्रीज नहीं हुई है, जीरो, बट सारी की सारी सीटें जो है वो प्राइवेट में इंक्रीज हुई है। औरतों की बात करें तो टोटल 47 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 15 सीट्स गवर्नमेंट में है एंड 32 सीट्स प्राइवेट में। OBG की टोटल 43 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 8 एंड प्राइवेट में 35। सेक्रेटरी की टोटल 27 सीट्स, गवर्नमेंट में 6 और रिमेनिंग 21 जो है वो प्राइवेट में। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टोटल 7 सीट्स, ऑल ऑफ देम हैज बीन जस्ट इंक्रीज इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, देयर इज नो सीट्स हैज बीन इंक्रीज इन गवर्नमेंट। रेस्पिरेटरी मेडिसिन टोटल 10 सीट्स, सारी की सारी प्राइवेट में। इसके अलावा गैरियट्रिक मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, इनकी सीटें भी इंक्रीज हुई है, जो रिमेनिंग टोटल अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्स 251 सीट्स होती है, सॉरी 215 सीट्स होती है, जो अदर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में अपडेट हुई है। तो ये जो डेटा है ये एनएमसी पर अपडेट की गई है और ये अब तक की डेटा बताई गई है, 3rd of September 2022 तक की बताई गई है। दिस इज नॉट द फाइनल सीट मैट्रिक्स। ये सीटें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 15 सितंबर तक सारी सीटें अपडेट हो जाएंगी, अपलोड हो जाएगी एनएमसी पे। तो अब जो है हमने देखा कि गवर्नमेंट में भी सीटें जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है और गवर्नमेंट में भी जो सीट्स है वो अपलोड होनी एनएमसी पे स्टार्ट हो गई है। सो डे बाय डे जिस तरीके से भी डेटा पब्लिश की जाती है एनएमसी की वेबसाइट पे, वी विल कम अप विद द विद दैट पर्टिकुलर वीडियो टू लेट यू इन्फॉर्म कि कितनी सीटें बढ़ चुकी है। सो टोटली अगर अभी तक की बात करें तो टोटल 666 सीटें बढ़ी है। ये सीटें जो है ये बढ़कर अभी इनमें गवर्नमेंट की और भी बहुत सीटें बढ़नी है, प्राइवेट की सीट्स बढ़नी है, डिप्लोमा की सीट्स बढ़नी है, DNB की सीट्स बढ़नी है। सो यू विल फाइंड कि ये सीट्स बढ़ करके कहीं ना कहीं 2,500-3,000 तक तो पहुंच ही सकती है, पहुंचनी ही चाहिए। जो फाइनल बढ़ती हुई सीटें होंगी वो कहीं ना कहीं 2,500-3,000 तो एटलीस्ट रहेंगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, बट एटलीस्ट इतनी तो रहनी ही चाहिए। तो ये सीटें जो है वो डे बाय डे हम देखते जाएंगे कि कितनी सीटें अपडेट की जा रही है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि आपको आपके रैंक पे कौन सी ब्रांच किस फीस में मिल सकती है, उनमें बॉन्ड क्या होगा, उनमें स्टाइपेंड क्या कितनी मिलती है, उन कॉलेजेस की डिपार्टमेंट डिटेल्स, उनमें डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, क्या आपको कौन कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहिए और आपको कहाँ कहाँ सीट्स मिल सकती है,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको रीसेंट अनाउंसमेंट्स में आप जाओगे तो रीसेंटली जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो आ जाएंगी। और चॉइस फिलिंग सेक्शन में जाओगे तो हर एक स्टेट की जो चॉइस फिलिंग है वो अपडेट कर दी जाएगी। सो दैट इफ़ यू डू मेक योर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, मेक योर सेल्फ रजिस्टर फॉर दिस पोर्टल, आपको एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, जिस भी स्टेट की आप चॉइस फिलिंग करते हो, यू विल गेट द चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी चॉइस फिलिंग ओवर देयर ऑन द पोर्टल विच इज www.careermedia.ai, जिसकी पोर्टल की जो लिंक है वो स्क्रीन के नीचे आपको शो कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेरी हो, अगर आप पेड मेंबरशिप अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।